हेलमेट पहन लिया, आपके जू का दम तो नहीं घुट रहा है? सांस सांस नहीं आ रही होगी उनको? वैसे ना किसी एलियन से कम नहीं लग रहे आप। कस्तूरी भाभी, आप ना रोज ऐसे हेलमेट पहनकर आया कीजिए, और ये वाला नहीं, वो नहीं होता जो पूरी शक्ल जो छुपा देता है, आप वो वाला पहनिए, उससे ना आपके बड़े सारे फायदे हो जाएंगे। कौन से फायदे होंगे मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये, जो आप इतना मेकअप थोप कर आती है ना, तो आपको वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरा ये कि कोई आपको देख के डरेगा भी नहीं, कस्तूरी भाभी। और तीसरा ये कि किसी का दिन भी खराब नहीं जाएगा ना आपकी शक्ल जो नहीं देखनी पड़ेगी। ये वाला सबसे बेस्ट था। बहुत ज्यादा नहीं बोल रही है आज। वैसे हमरी मूर्ख भाभी जियो, पता भी है ये हेलमेट हम काहे पहने? काहे पहने हैं? अरे वो शक्ति सीरियल की रोशनी है ना, उसने ना नया घर खरीदा है। हाँ, तो हम ना वहीं पे जा रहे थे, लेकिन हम टीवी पे देखे कि पद्मावती आज रिलीज हो गई है। हाँ, और बहुत सड़क पे क्या खूब हंगामा हो रहा है। बस हम गए और जल्दी जल्दी हेलमेट पहन लिया हमने, प्रोटेक्शन के लिए पहने। प्रोटेक्शन? आपकी शक्ल देख के वैसे ही उन्होंने कुछ नहीं करना था, आप टेंशन मत लो। देखिए जरा टिम्मी भाभी, हेलमेट पहन कर आ गई है कस्तूरी भाभी। कस्तूरी भाभी, जब आपको इतना ही डर लग रहा है, तो बाहर निकलना ही क्यों है? घर पे बैठी है ना, बाहर क्यों जा रही हैं? सही बात है। और चलिए, अगर आपको इतना शौक है ही बाहर जाने का, तो मैं आपको एक आइडिया दूं सही सलामत पहुंचने का। हाँ हाँ बताओ। तो मैं आपको बताती हूँ आप क्या कीजिए, ठीक है? बहुत आसान है। आप अपनी भैंसिया पे बैठिए, ठीक है? बैठ गई, फिर उसकी पूंछ खींचिए, और ना हेलमेट मत उतारना, ना 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 ना, और बस कोई आपके रास्ते में नहीं आएगा। लोग कहेंगे जाने दो जाने दो, ये देखो ये तो हमसे भी बड़ी पागल जा रही। वाह भाई वाह, जैज डार्लिंग, आज मजा आ गया। तूने कस्तूरी भाभी की जो बेइज्जती किया ना, वैसे मुझे लगता है जब तक आपकी बेइज्जती हो ना जाए ना, कस्तूरी भाभी का ना दिन बनता है नहीं है। बट आप एक काम करो जैज, बताइए इनको ना दिन में 3-4 बार बेइज्जती किया कर, ब्रेकफास्ट के टाइम, डिनर के टाइम, लंच के टाइम, और रात के दूध के साथ भी। हां हां जरूर, और हम आपको ना 3 टाइम ना इससे सुताई करेंगे, आपकी देख लेना। सुताई करेंगे? हां नहीं तो। और जैज, तुम ना ये टिम्मी भाभी की बातों में ना बिल्कुल आना मत, ये तो वैसे भी ना जले में घी डालती है। और आजकल आप कौन से टीवी सीरियल देख रहे हो, हैं बड़ी साजिशें कर रहे हो, बताओ जरा। जो तू देखती है वही। और जैस, हम बता रहे हैं कि किसी की भी बात मत सुनना, अपने ना दिमाग की बत्ती जलाओ। सारी सारी हम ना भूल जाते हैं कभी कभी कि तुम्हारे पास तो दिमाग की कमी है ना। अच्छा है ना, सही बोले ना। मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊ म्याऊ म्याऊ। अरे ये सब छोड़ो ना, और पहले तो हमको ये बताओ कि हमारे साथ पद्मावत देखने कौन कौन चल रहा है। नहीं नहीं, मैंने सर्फ नहीं पटवाना। अरे बहुत अच्छी मूवी है टिम्मी भाभी, बड़ी मजेदार है। अरे ना बाबा ना, कस्तूरी भाभी टिम्मी भाभी जान हथेली पे रख के मैं नहीं जा सकती है मूवी देखने। और वैसे एक बात बताइए कस्तूरी भाभी, आपको डरवन नहीं लगता क्या? मूवी देखने जा रही हूँ, लेकिन एक सेकंड आपको डर क्यों लगेगा? आप तो खुद ही दूसरों के लिए एक डर है। पता क्या टिम्मी भाभी, इनको हेलो बोल दो एक बार, पीछे ही पड़ जाती हैं। वो तो तारीफ कीजिए हम लोगों की कि हम आपको अपने साथ बैठने देते हैं और आपको झेलते हैं, वरना आपसे तो सब दूर भागते हैं। आज ओवर एक्टिंग की दुकान नहीं लग रही? चुप करो आप, ये जैस ऐसे किसी से बात करते हैं? ऐसे करते हैं क्या? मतलब इतनी कम बेइज्जती करते हैं क्या? मैं तुझे बताती हूँ, मतलब टिम्मी भाभी इज लाइकिंग इट, और कर, जितना ज्यादा करेगी उतना अच्छा लगेगा टिम्मी भाभी को। वैसे ना पद्मावती तो मुझे भी देखने जाना है ना, मन कर रहा है ना देखने का। तो हम ना आज ना हमरे मरदवा ना घर पे ही है, तो हम उनका भी हेलमेट ले आते हैं आपके लिए, दोनों हेलमेट पहन के जाएंगे साथ में। ठीक है आप ही जाइए बस।